हेलो एवरीवन, राधे राधे। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी आलू की सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज की। तो यहाँ पर दोस्तों आलू को मैंने धो लिए थे, कुकर में डालेंगे। तो आप गैस पर बिठा देंगे आलू को। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 4 टमाटर और 4 हरी मिर्ची और आधी अदरक लिए हैं, आधा टुकड़ा। तो मैंने धो लिया और इस तरह से कट कर लिए। तो आप मिक्सी में पीसेंगे। तो दोस्तों मिक्सी में मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा जीरा और 4 काली मिर्ची। और इसे दोस्तों इसे दरदरा पीसेंगे, बिल्कुल प्लेन बिल्कुल भी नहीं पीसेंगे हम। तो आप देख सकते हो मैंने थोड़ा दरदरा पीसा है, क्योंकि दरदरा में थोड़ा अच्छा लगता है सब्ज़ी में और थोड़ी स्वाद भी आता है, तो इसलिए इस तरह से किए मैंने। और यहाँ पर दोस्तों हमारी सीटी भी आ चुकी है कुकर की, तो आप उसको निकाल लेंगे। तो हमारे आलू गल चुके हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर बिठाएंगे दोस्तों कढ़ाई और डालेंगे 2 चम्मच फॉर्चून ऑयल। दोस्तों मैं अपने हिसाब से ऑयल ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से लीजिए सब्ज़ी के हिसाब से। गैस को बिल्कुल मैंने हाई कर दिए ताकि थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो आप डालेंगे 1 तेज़पत्ता, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी मेथी डालेंगे। और हल्का सा जब तक कि ब्राउन कलर ना आ जाए तब तक हम इनको पकाएंगे। तो गैस को बिल्कुल मैंने लो कर दिया, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने लिए एवरेस्ट हींग, डालेंगे चुटकी थोड़ा सा, क्योंकि दोस्तों हमारी ससुराल में बिना हींग के कोई सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो इसलिए इसमें हींग डाला जाता है। कोई सा भी सब्ज़ी बनाते हैं थोड़ा सा हींग डालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो मसाला है, मतलब ऑयल जो हल्का सा चेंज आ चुकी है, तो अब डालेंगे इसमें मसाले। तो आप देख सकते हो और अच्छे से चम्मच से हिला लेंगे मसाले को भी। और जब तक कलर ना आ जाए, हल्का सा चेंज ना आ जाए मसाले में, तो तब तक मसाले बिल्कुल भी नहीं डालेंगे हम। तो गैस को बिल्कुल मैंने लो कर दी और लो में ही हम पकाएंगे मसाले को। तो दोस्तों हमारी कलर चेंज आ चुकी है सब्जी में, मसाले में। तब डालेंगे इसमें मसाले। तो 1 चम्मच हल्दी का पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाले। दोस्तों धनिया हमारे घर में ख़त्म हो गया, तो धनिया भी डालना है, पर वो ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों थोड़ा सा गरम मसाला घर का है ये, तो थोड़ा सा डाला है मैंने। और दोस्तों नमक मैं डालना भूल गई थी, तो मैं डालूँगी नमक बाद में। तो अच्छे से पकाएंगे। दोस्तों हमने आलू को छील लिए और एक ग्लास की मदद से इस तरह से कर लें, क्योंकि आलू बहुत गर्म है, तो इस तरह से कर लेंगे। बिल्कुल पीसना बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा रखना है खड़े खड़े टाइप में आलू को। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने नमक डाल लिया, क्योंकि नमक डालना मैं भूल गई थी मैं। तो यहाँ पर 1 चम्मच थोड़ा और नमक डालेंगे, 1.5 चम्मच, और अच्छे से मिला लेंगे। तो 2 मिनट के बाद मैं डालूँगी इसमें आलू। तो आप देख सकते हो आलू मैंने इस तरह से किए हैं, आप देख सकते हो आलू को मैंने इस तरह से किए, बिल्कुल प्लेन बिल्कुल नहीं पीसना, इस तरह से करना है। तो हमारे जो मसाले बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल चारों तरफ से ऑयल आ चुका है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं डालूँगी दही। दही बहुत अच्छा है, इसमें कलर और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो दोस्तों दही है ये घर का दही है, मतलब घर में हमने जमाया गया था दही है ये। तो थोड़ा डालेंगे, मैंने आधी कटोरी से छोटा सा थोड़ा लिया मैंने, और अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारे दही फट ना जाए। तो अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि गर्म होते हैं ना, फट जाते हैं तुरंत। तो अच्छे से मिला लेंगे, आप देख सकते हो कलर भी आ चुका है बिल्कुल, कितना अच्छा कलर आया है। और खुशबू तो भाई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसाले की। तो दोस्तों हमारे मसाले बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हो चारों तरफ से ऑयल आ चुका। तो आप डालेंगे आलू, तो अच्छे से मसाले साथ मिक्स कर लेंगे। 2-3 मिनट अच्छे से गैस को लो में ही पकाएंगे इसे ढक के। तो मैंने ढक दिए, तो 3-4 मिनट के बाद फिर। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने गर्म पानी बिठा दिए, क्योंकि दोस्तों सब्ज़ी आप कोई सा भी बनाएं तो गर्म पानी डालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पानी वैसे डालोगे ठंडा तो सब्ज़ी में थोड़ा चेंज आ जाता है और सब्ज़ी स्वाद नहीं होता, तो इसे गर्म पानी डालना चाहिए। तो हमारी सब्ज़ी तैयार, मतलब तब डालेंगे इसमें गर्म पानी, गुनगुना सा हल्का सा।
और अच्छे से मिला लेंगे। और 2-3 मिनट के बाद हम अच्छे से पकाएंगे, फिर हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो दोस्तों ये है हमारी फाइनली प्लेटिंग आलू की सब्ज़ी दही वाली, बहुत ही चटपटा लजीज बना है मैंने, बिल्कुल होटल में जैसे मिलते हैं ना भंडारे में वैसी है, बिल्कुल सेम टू सेम बिना लहसुन प्याज की आलू की सब्ज़ी। तो दोस्तों कैसा लगा बताना ज़रूर।